एक ओर जहां एनजीटी न्यायालय ने हरे पेड़ काटने पर रोक लगाई है, वहीं दूसरी ओर रेलवे विभाग के ठेकेदार निर्माण कार्य के दौरान ही हरा पेड़ काट रहे हैं। ऐसे ही एक पेड़ को गोवर्धन के मथुरा अलवर रेल मार्ग के नीम गांव रेलवे स्टेशन की इमारत के सामने रात के अंधेरे में निर्माणदाही संस्था के ठेकेदार के कर्मचारियों ने काट दिया। हरे पेड़ को काटे जाने की सूचना के बाद वन विभाग की टीम ने काटे गए पेड़ की माप तोल कर कार्रवाई की है। लोगों ने सूचना दी कि स्टेशन के बाहर खड़े कंजी के पेड़ को काट कर अलग अलग स्थानों पर फेंक दिया गया है। इसके बाद वन विभाग के रेंजर ब्रजेश परमार टीम के साथ पहुंचे तो ठेकेदार के कर्मचारी भाग गए। टीम ने काटे गए पेड़ की माप तोल कर कार्रवाई की है। वहीं इस संबंध में गजेंद्र चूड़ामणि सीनियर सेक्शन इंजीनियर रेलवे मथुरा ने पेड़ काटे जाने की अनुमति की जानकारी की पता न होने की बात कही। वन विभाग रेंजर ब्रजेश सिंह परमार ने बताया कि कंजी का हरा पेड़ बिना अनुमति के काटा गया है। जो निर्माणदाही संस्था है उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की है। काटे गए पेड़ को रेलवे स्टेशन के ही कर्मचारी राहुल को सुपुर्द किया है। अभी निर्माणदाही संस्था की जानकारी नहीं हुई है।